Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around class 5th, okay? And the chapter 15, Blow Hot, Blow Cold, okay? And today students, we have to start from page number 142, okay? So let's see 142 page number, and this is video number 3. Okay, this is video 3 of this chapter. So let's start, students. Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? Okay, so here students, you can see two pictures here. One picture of Minnie and second one for Sonu, okay? So, jo pehla picture aap dekh sakte hain, ye Minnie ka hai. And Minnie tried to cool her tea by blowing on it, okay? So, Minnie is picture mein, as you can see, kya kar rahi hai? Minnie chai ko phook maar kar jaldi se thanda kar rahi hai, okay? Minnie tried to cool her tea by blowing on it. मिनी चाय को अपनी चाय को हवा मारकर फूंक मारकर ठंडा करने की कोशिश कर रही है. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? So which do you think will be hotter? All right. तो तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? Okay. So definitely students, उसकी चाय ज़्यादा गर्म होगी. ओके, मिनीज टी इज हॉटर देन हर ब्लू. ओके, मीन्स के मिनीज टी इज वेरी हॉटर देन द एयर सी ब्लू. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पिक्चर टू. पिक्चर टू यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ सोनू. ओके, ये सोनू का पिक्चर है. एंड सोनू, व्हाट सी इज डूइंग, सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड सो सी कैप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड्स. ओके, नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रेथ. ओके, सो पिक्चर टू स्टूडेंट, सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. ऑल राइट, so which will be cooler, Sonu's hand or his breath? Okay, so Sonu was feeling very cold. Sonu ko bahut adhik thand lag rahi hai. सोनू को बहुत अधिक ठंड लग रही है. ही कैप्ट ब्लोविंग ऑन हिज हैंड्स. तो वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को बार बार फूंक मार रहा है. ठीक है, जैसे हमें भी जब बहुत ठंड लगती है, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो हम भी फूंक मार कर अपने हाथों को गर्म करते हैं. ओके, तो वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा है. Now think and write, सोचिए और बताइए, लिखिए, which will be cooler, Sonu's hand or his breath? So definitely students, here in this situation, Sonu's breath is hotter than Sonu's hands. Okay, तो इसमें सोनू के जो हवा है, जो सांस है, वो अभी गर्म है उसके हाथों से अधिक, इसीलिए वो फूंक मार मार कर अपने हाथों को गर्म कर रहा है. ओके, now next students, next page, for what thing, other things, do you blow air from your mouth? Okay, so students, here you have to tell about for what other things, और कौन सी चीज़ें हैं do you blow air from your mouth, जिसमें आप अपने मुँह से हवा फूंकते हो. तो students, इसको सोचिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं जिस पर कि हम हवा मारते हैं, अपने मुँह से उसमें हवा मार कर उस चीज़ को करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप बहुत सारी चीज़ करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप पता लगाएंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कि आप हवा मार के उनको क्या करते हो, फूंकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट गिव सम क्लू. ओके, फॉर विशलिंग, आप सीटी मारते हो, सीटी बजाते हो, तो उस पर भी आपको अपने मुंह से हवा मारनी होती है. ओके, एंड सम टाइम यू प्ले विथ फिरकी, आपने फिरकी से खेला होगा, सो यू जस्ट ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ फॉर प्लेइंग विथ फिरकी. ओके, एंड सम टाइम स्टूडेंट्स, फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स. ओके, तो कई बार आप अपने चश्मे को भी साफ करने के लिए मुंह से हवा मारते हो. ओके, सो यू कैन से स्टूडेंट that the other things for which I blow
एयर फ्रॉम माई माउथ आर नंबर वन फॉर विशलिंग, सेकेंड फॉर प्लेइंग विथ फिरकी, थर्ड फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हेयर, मेक अ पेपर विशल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड मेक अ पेपर विशल. आपने भी शायद कई बार कागज की सीटी क्या की होगी, बजाई होगी और बनाई होगी, है ना. आप कई बार कागज से पेपर से सीटी बनाते होंगे. अगर नहीं बनाई है सो हेयर इज द प्रोसेस टू हाउ टू मेक अ पेपर विशल. ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. ओके, फोल्ड द पेपर इन टू हाफ एज इन पिक्चर वन, टेयर इट ऑफ अ लिटिल इन द सेंटर. ओके, टेयर इट ऑफ अ लिटिल इन द सेंटर टू मेक अ स्मॉल होल. ऑल राइट, एज सोन इन पिक्चर टू. फ्रॉम बोथ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड्स पिक्चर थ्री. Hold the paper between your fingers and put it in your mouth. And next, blow on it and hear the whistles. Whose whistle was louder? Okay, whose whistle was louder? Yours or yours friend? Okay, blow gently and also blow hard and make different sounds. Okay. सो हेयर स्टूडेंट्स, हेयर इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक अ पेपर विशल. कैसे आप कागज से अपनी सीटी बनाएंगे. ओके, सो लिसन नाउ, टेक अ पीस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. अब आपको स्टूडेंट्स एक कागज का पीस लेना है, टुकड़ा लेना है, और उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, वो 12 सेंटीमीटर लंबा होगा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होगा. ठीक है, तो एक 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर लीजिए. ओके, फोल्ड द पेपर इन टू हाफ एज इन पिक्चर वन. नाउ यू हैव टू सी पिक्चर वन. ओके, और आपको उस पेपर को चित्र एक के अनुसार, पिक्चर एक के अनुसार हाफ फोल्ड करना है, हाफ मोड़ना है. ओके, आप देख सकते हैं कैसे इस पेपर को हाफ मोड़ा हुआ है. नाउ टेयर इट ऑफ अ लिटिल इन द सेंटर टू मेक अ स्मॉल होल एज सोन इन पिक्चर टू. अब आप पिक्चर टू में देखिए, तो जब आपने इसको फोल्ड किया तो इसके सेंटर में, उस फोल्ड पेपर के सेंटर में आपको थोड़ा सा उसे टेयर करना है, फाड़ना है. ठीक है, मीन्स बीच में से काट कर या फाड़ कर उसे हल्का सा छोटा सा छेद बनाइए. एज यू कैन सी पिक्चर नंबर टू. ओके, नाउ फ्रॉम बोथ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड्स पिक्चर थ्री. अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ करना है. ठीक है, मोड़ देना है दोनों तरफ को कागज से. देखिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी यहाँ पर कागज को फोल्ड कर दिया है. ओके, जैसे कि आप पिक्चर थ्री में देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर एंड पुट इट इन योर माउथ. अब आपको कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर होंठों से लगाना है. ओके, होंठों से लगाना है कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर, और अब आपको फूंक मारनी है. ओके, क्या करना है उसके बाद, अब आपको फूंक मारनी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है. ब्लो ऑन इट एंड हेयर द विशल. हुज विशल वॉज लाउडर, योर्स और योर फ्रेंड्स. ओके, अब जब आपने कागज के दोनों ओर को अपने हाथों से फंसा लिया मुंह में, तो अब आपको उस होल से, उस छेद से हवा मारनी है. एंड हेयर द विशल, तो जैसे ही आप हवा मारेंगे तो आपको सीटी सुनाई देगी. तो अब आप देखिए कि आपके फ्रेंड की सीटी ज़्यादा ऊंची है या आपकी सीटी ज़्यादा जोर की है. ओके, नाउ ब्लो जेंटली एंड ऑल्सो ब्लो हार्ड एंड मेक डिफरेंट साउंड्स. और सीटी में धीरे धीरे और जोर जोर से फूंक मारो. ओके, तो अलग अलग तरह की सीटी या अलग अलग तरह की आवाज़ निकलेगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम चला आपने कैसे कागज़ से सीटी बनाई. एक बार फिर से सीख लीजिए कि कागज़ से सीटी कैसे बनानी है. ओके, सबसे पहले आपको एक पेपर का पीस लेना है जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है. ओके, नाउ द सेकेंड प्रोसेस आपको करनी है, कागज को हाफ फोल्ड कर देना है और फिर उसको बीच में से, सेंटर में से थोड़ा सा उसमें छेद करना है, फाड़ना है. थर्ड प्रोसेस, आपको जो दोनों साइड्स हैं पेपर की उसमें से थोड़ा सा पेपर दोनों साइड से फोल्ड कर देना है, मीन्स दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ना है. और उसके बाद कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर
होंठों से लगाओ और अब फूंक मारो। तुम्हें सीटी की आवाज़ सुनाई देगी और आप ये सुनो कि आपकी सीटी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ है या आपके फ्रेंड की। ओके, और फिर जब आप उसमें हवा मार रहे हैं, उसमें कभी धीरे से हवा मारो, कभी ज़ोर से हवा मारो, तो अलग अलग तरह की सीटी और आवाज़ें उससे निकलेंगी। सो इज़ इट वेरी फनी एक्टिविटी स्टूडेंट्स? येस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्लो इन डिफरेंट वेज। ओके, अलग अलग तरह से हवा मारना या फूंक मारना, अलग अलग चीज़ों से हवा मारना, ब्लो इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से आप कभी जोर से हवा मारते हैं, कभी धीरे से फूंक मारते हो। ओके, सो लेट्स रीड, मेक विजुअल्स ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो। ओके, राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विजुअल। मेक विजुअल्स टू ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर मेक विजुअल सीटियाँ बनानी है ऑफ द थिंग्स, कई चीज़ों की जो नीचे दी गई हैं गिवन बिलो, जैसे कि रैपर ऑफ अ टॉफी, अ लीफ, अ बैलून, द कैप ऑफ अ पेन, एनी अदर थिंग्स। ओके, तो आपको नीचे दी गई चीज़ों से सीटी बनानी है, आवाज़ें निकालनी है। राइट इन सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल, और आपको नीचे दी गई चीज़ों में से किससे सबसे तेज सीटी बजी और किससे सबसे धीरे सीटी बजी, उनको आवाज़ की तेजी के क्रम में लिखना है। मीन्स कि जिसकी सबसे तेज सीटी बजी उसको आपको यहाँ पर लिखना है, फिर उससे कम सीटी की आवाज़ को यहाँ, तो ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना है। ऑल राइट, सो हेयर आर गिवन सम थिंग्स लाइक रैपर ऑफ अ टॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है रैपर ऑफ अ टॉफ़ी, यानी टॉफ़ी की पन्नी से। आपने देखा होगा कई बच्चे टॉफ़ी की पन्नी से सीटी बनाते हैं, ठीक है, ऑफिस सीटी उसे बजाते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ लीफ। ओके, लीफ मीन्स पत्ती, तो आपने देखा होगा आम की पत्ती और भी कई पत्तियों से, कई पौधों की पत्तियों से बच्चे सीटी बजाते हैं। ओके, नाउ अ बलून, बलून से भी सीटी बजाई जाती है। द कैप ऑफ अ पेन, वो तो आप बहुत ज्यादा बजाते होंगे, आपने सुना भी होगा कैप, पेन की कैप से भी कई बच्चे सीटी बनाते हैं। एनी अदर थिंग्स, या फिर कोई और चीज़, ठीक है, कोई और चीज़ में हम अपने फिंगर से भी सीटी बजा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत कॉमन है पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ एंड मेक विजुअल्स, ठीक है, तो आप अपनी दो उंगलियों को मुंह में डालेंगे, मुंह में रखेंगे और हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, तो उससे भी सीटी बजती है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू राइट द थिंग्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विजुअल। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले अगर आप इन सब चीज़ों से सीटी बजाएंगे तो सबसे तेज सीटी बजती है स्टूडेंट्स द कैप ऑफ अ पैन, बहुत तीखी और तेज, लाउडेस्ट विजुअल इसकी होती है। सो राइट डाउन द कैप ऑफ अ पेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, रैपर ऑफ अ टॉफी, अ लीफ, अ बैलून, द कैप ऑफ अ पेन, ये तो हो गया है। एनी अदर थिंग्स में हम पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ लिख देंगे, ठीक है, तो सेकंड में आएगा स्टूडेंट्स एनी अदर थिंग में अगर हम लिखें, इसकी जगह पर हम लिख देंगे पुटिंग टू फिंगर्स, टू फिंगर्स। ओके, तो पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ, ऑल राइट, इन माउथ, ऑल राइट स्टूडेंट, सो सेकेंड जो लाउडेस्ट होगी वो पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ होगी। सो राइट डाउन एनी अदर थिंग्स भी हम लिख सकते हैं या पुटिंग टू फिंगर्स, पुटिंग टू फिंगर्स, पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ। ओके, इन माउथ, ऑल राइट, पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ। नाउ थर्ड वन स्टूडेंट्स, दैट इज अ बलून, बलून से भी काफी तेज सीटी निकलती है। सो अ बलून, बी ए एल एल ओ ओ एन, अ बलून। ओके, एंड नेक्स्ट वन is a leaf, so write down a leaf, a leaf, and last one wrapper of a toffee, wrapper, wrapper of a toffee,
ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इस प्रैक्टिकल को करिए, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी और से ज़्यादा अच्छी सीटी, तेज सीटी बजा रहे हो, तो आप इसका सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली मी द साउंड ऑफ एंड अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल ऑफ द साउंड्स ऑफ विशल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर हमने अकॉर्डिंगली लिख दिया, आप भी इसको प्रैक्टिकल करिए। एनी अदर थिंग्स में आप किसी और चीज़ की सीटी बना सकते हैं। ओके, that is any other thing putting two fingers, all right students। so first one the cap of a pen, सबसे तेज सीटी बजती है पेन की कैप से। second putting two fingers in mouth, okay, आप अपने मुंह में दो उंगलियां डाल के बहुत तेज सीटी बजा सकते हैं। third one a balloon, fourth one a leaf and fifth one wrapper of a toffee, okay। और कभी कभी अगर बड़ा रैपर टॉफी का हो और हार्ड रैपर टॉफी का हो तो उसकी साउंड भी ज़्यादा लीप से ज़्यादा होती है। ओके, so students you can write, okay। now next para, have you seen people playing different musical instruments, okay। क्या तुमने लोगों को different types के musical instruments, ठीक है, संगीत के जो instruments होते हैं, ठीक है, उनको आपने देखा है कि वे अलग अलग इस्तेमाल चीज़ों के इस्तेमाल से संगीत बजाते हैं। ओके, जस्ट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा, ठीक है, आपने देखा होगा बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग और गिटार आदि को बजाते हुए वे अपना संगीत बजाते हैं। कैन यू रिकग्नाइज देयर साउंड्स विथ योर आईज क्लोज्ड, फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, कलेक्ट देयर पिक्चर टू। ओके, सो हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा, क्या तुमने कभी देखा है कुछ लोगों को जो अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, संगीत के जो भी यंत्र होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे वे अलग अलग क्या बनाते हैं, संगीत बजाते हैं, जैसे फ्लूट, बांसुरी से, ढोलक से, बीन से, गिटार और मृदंग आदि के इस्तेमाल से। ओके, कैन यू रिकग्नाइज देयर साउंड विथ योर आईज क्लोज्ड, क्या आप इन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ को आंखें बंद करके उसकी आवाज़ से पहचान जाते हो? जैसे अगर फ्लूट बज रहा है तो आप देख नहीं रहे कि फ्लूट बज रहा, बस उसकी साउंड से आप पहचान जाते हो। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कलेक्ट देयर पिक्चर्स टू। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है और कुछ अधिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है संगीत के यंत्रों के बारे में, और उनके पिक्चर्स भी आपको कलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, आप जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पिक्चर्स कलेक्ट करिए, उनके नाम लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हारमोनियम आ जाएगा, ओके, तबला आ जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें भी होती हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में के अंदर आते हैं। ओके, जैसे पियानो है, ऑलराइट, और ड्रम्स हैं, ड्रम की बीट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, उसमें भी हम म्यूज़िक प्ले करते हैं। ओके, तो ऐसे ही अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप देखिए, पता करिए, उनकी साउंड को भी सुनिए और कैसे उनकी साउंड्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे फ्लूट है, सहनाई की भी आपने सुना होगा, ठीक है, सहनाई शादी ब्याह में बजती है, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस सॉन्ग्स और वी कैन use as a musical instruments like sehnai, pungi, flute, drums and harmonium and tabla, okay। Now next question, can you name some things which produced melodious or pleasing sounds when we blow into them, okay। So students, can you नेम सम थिंग्स, क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनसे कि बहुत ही मेलोडियस मीन्स सुहावनी, बहुत ही प्लीजिंग, सुहावनी और बहुत ही अच्छी आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, व्हेन वी ब्लो इनटू देम, जब हम उसमें फूंक मारते हैं। तो अब आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं, याद रखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं जिनमें फूंक मारने से म्यूज़िक बजता है, मीन्स सुहावनी आवाज़ें, अच्छी आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बताइए जिसमें फूंक मार के आवाज़ निकलती है। एक तो होता है स्टूडेंट्स बीन, ठीक है, फ्लूट, बांसुरी, पुंगी, सहनाई और माउथ ऑर्गन, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा जिसमें कि हम हवा मारकर, अपने मुंह से फूंक मारकर बहुत सुंदर संगीत की आवाज़ें, धुनें निकालते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट
सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इन टू दैम आर बीन, फ्लूट, पोंगी, सहनाई, माउथ ऑर्गन एक्सेट्रा. ओके, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम फूंक मारकर आवाजें संगीत की धुनों को निकालते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डू दिस एंड डिस्कस. अब आपको इसे करना है और डिस्कस करना है. ओके, फर्स्ट वन, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप दैम क्लीन? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? Okay, so have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा है? ओके, हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? तो आप बताइए कि कैसे मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती होगी. आप अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को जो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, जो चश्मा पहनते हैं, तो वो बार बार अपने चश्मे को निकाल कर हैंकी में मुंह से हवा फूक कर उसे साफ करते हैं. तो आपको क्या लगता है? तो स्टूडेंट्स, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम फूंकते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी निकालते हैं, वाटर वेपर भी हम निकालते हैं. तो जो वाटर वेपर होता है, ऑन कोलाइडिंग विथ टू विच द ग्लास बिकम्स वेट. तो वाटर वेपर की जो बूंदें होती हैं, जो वाटर वेपर होता है, वाष्प जो होता है, वो हमारे चश्मे के ग्लास को बिल्कुल साफ कर देता है, उसे गीला कर देता है, वेट कर देता है, जिससे कि हमारा ग्लास जो है वो ईजिली क्लीन हो जाता है विथ अ सॉफ्ट क्लोथ. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट when we breathe out, okay, when we breathe out या when we blow, okay, we breathe out, we exhale carbon dioxide gas along with water vapor, and the water vapor on colliding, colliding means crash करना, hit करना, टकराना, water vapor on colliding with the surface of the glass gets condensed, due to which the glass becomes wet, okay. This slightly wet glass can be easily cleaned with a soft cloth. All right, students, again I am repeating this answer. When we breathe out, we exhale carbon dioxide gas along with water vapor, okay. And the water vapor on hit या colliding with the surface of the glass gets condensed, due to which the glass becomes wet, and this slightly wet glass can be easily cleaned with a soft cloth या handkerchief. Okay. Now next question. Take a glass, bring it near your mouth and blow hard on it. Do this 2 or 3 times. Does the glass look hazy? Hazy means होता है students not clear. Hazy means not clear because of heat. मतलब धुंध के कारण जब हमें कुछ चीज़ साफ नहीं दिखाई देती. ठीक है, आप देखते होंगे जब आप अभी भी अगर आपने ग्लास पहना हुआ है और अगर आप मास्क पहनते हैं, तो मास्क की हीट डायरेक्टली हमारे ग्लास में, चश्मे के ग्लास में जाती है, और जिससे हमारे चश्मे में धुंध सी आ जाती है. ठीक है, तो आप ऐसे ही देखते हैं गाड़ियों के शीशों में भी धुंध आ जाती है. ठीक है, वो किसकी वजह से आती? जब हम गाड़ियों के ग्लास को, शीशे को सब बंद कर देते हैं, तो अंदर एक हीट बनती है. उस हीट से क्या होता है, हमारी गाड़ियों के जो ग्लास होते हैं उनमें भी धुंध सी आ जाती है. ओके, तो हैजी मीन्स नॉट क्लियर स्पेशली बिकॉज ऑफ हीट, यानी धुंध भरा. तो टेक अ ग्लास, एक ग्लास लीजिए, उसे मुँह के पास लाकर मुँह खोलकर जोर से सांस लीजिए. ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट. ठीक है, एक ग्लास लीजिए, उसमें अपने मुँह से जोर से सांस लीजिए. डू दिस 2 or 3 टाइम्स, 2 या 3 बार ऐसा करिए. डज द ग्लास लुक हैजी, तो क्या ग्लास में धुंध हो जाती है? यस ऑफ कोर्स, द ग्लास लुक्स हैजी आफ्टर ब्लोइंग ऑन इट फॉर 2 or 3 टाइम्स. ओके, हाँ, ग्लास में धुंध हो जाती है जब हम उसमें 2 या 3 बार मुंह से हवा देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन यू मेक अ मिरर हैजी इन द सेम वे? Can you tell by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blew from your mouth dry or wet? Okay, can you make a mirror hazy in the same way?
क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? कैन यू टेल बाई टचिंग द मिरर वट मेड इट हैजी? क्या आप शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह क्या हो रहा है? क्या आप शीशे से पता लगा सकते हो कि क्या यह इसमें धुंध आ रही है या नहीं आ रही? ओके ओके सो कैन यू मेक अ मिरर हैजी इन द सेम वे? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हैजी? ओके इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? ओके छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप आराम से शीशे को देखकर छूकर पता लगा सकते हैं कि वह हैजी है, धुंध भरा है या नहीं है. ओके सो यू कैन से दैट येस आई कैन मेक अ मिरर हैजी इन द सेम वे व्हेन वी टच द मिरर वी फील मॉइस्चर ओके ऑन आवर फिंगर्स विच शोज दैट द मॉइस्चर मेड द मिरर हैजी. ओके This also shows that the air we blew from our mouth is wet. Okay, so again I am repeating this answer, students. Yes, I can make a mirror hazy in the same way. When we touch the mirror, we feel moisture on our fingers, which so that the moisture made the mirror hazy. Okay, and this also shows that the air we blew from our mouth is wet. All right. Now next question, put your hand on your chest. When you breathe in, does your chest come out or go in? Okay, अब आपको students अपने chest पे हाथ रखना है. Put your hand on your chest, अपने हाथ को छाती पर रखो, ठीक है. And when you breathe in, और जब आप सांस भरोगे, does your chest come out or go in? तो क्या छाती आपकी अंदर और बाहर जा रही है, ठीक है. तो जब आप अपने सांस लेते हो, अपने हाथों को अपनी छाती में रखो और सांस भरो और देखो क्या हुआ, छाती अंदर गई या बाहर गई. तो स्टूडेंट्स जब हम ब्रेथ लेते हैं तो हमारी छाती बाहर अंदर जाती है, ठीक है. मींस कि वो हम बहुत ही, अगर हम हाथ रखेंगे तभी हम फील कर पाते हैं. ओके सो यू कैन से दैट व्हेन आई ब्रेथ इन माई चेस्ट कम्स आउट, ठीक है. तो जब हम सांस भरते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी जो छाती होती है थोड़ा सा बाहर और अंदर आती है. ओके तो आप इसको हाथ रख के आप रियलाइज कर सकते हो, आप फील कर सकते हो. ओके नाउ स्टूडेंट्स हियर सम क्वेश्चंस, मेजर योर चेस्ट. अब आपको अपनी चेस्ट मेजर करनी है, ठीक है, अपनी छाती की नाप लेनी है, ठीक है. अब आप अपनी छाती की नाप लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस लो पहले, ठीक है. आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है. आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विथ अ थ्रेड मेजरमेंट. अब आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले, ठीक है. तो जितना भी धागे से नाप होगा आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर में. ओके नाउ नेक्स्ट, नाउ ब्रीथ आउट, और अब सांस को बाहर छोड़िए. एंड अगेन आस्क योर फ्रेंड्स टू मेजर योर चेस्ट, और फिर अपने दोस्त से कहिए कि फिर से वह आपकी छाती की नाप ले, ठीक है. तो पहले अपने साथी से कहिए कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले जब आपने लंबी गहरी सांस ली, और फिर सांस छोड़ने के बाद आप अपने साथी से दोबारा से छाती नापने को कहिए और उसकी मेजरमेंट आप यहाँ पर लिखिए. वॉच देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट्स ऑफ योर चेस्ट. तो स्टूडेंट्स क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? Definitely आया होगा स्टूडेंट्स. तो इसको आप घर पे प्रैक्टिकल करिए और फिर हमें आप बताएंगे कि कितना डिफरेंस आया था और डिफरेंस आया था कि नहीं आया था. ओके स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं. ऑल राइट तो आप जितना भी डिफरेंस आया है तो वो आप अपने फ्रेंड से पूछकर आप उसे नोट करेंगे और उसको हमें बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स Now, today class is over, students. Tomorrow, I will be back with other topics of this chapter. Okay? So, till then, students, you do your work. Okay? Revise your work and do your all activities of these chapters. All right? So, till then, students, be safe. Take care. Have a nice day.